नीट मामले पर सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच की दूसरी सुनवाई 11 जुलाई को होनी है। सुनवाई के बाद क्या फैसला आएगा वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन सुनवाई से पहले ही पूरे मामले में कई नए एंगल सामने आने लगे हैं। कोर्ट ने नीट विवाद से जुड़े चार स्टेक होल्डर्स यानी एनटीए, केंद्र सरकार, सीबीआई और नीट टेस्ट की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं से रिपोर्ट मांगी थी। इन स्टेक होल्डर्स ने जवाब दाखिल करते हुए कोर्ट को क्या कुछ बताया, आपको विस्तार से और पॉइंट वाइज पूरी बात समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से 6 सवालों के जवाब मांगे थे। पहला, पेपर लीक का नेचर स्पष्ट करने को कहा। दूसरा, पेपर लीक कहां और किन सेंटर्स पर हुआ। तीसरा, लीक की घटना और परीक्षा के बीच कितने टाइम का फर्क था। चौथा, लीक का फायदा उठाने वाले स्टूडेंट्स कितने थे। पांचवा, अब तक कैंडिडेट्स की पहचान के लिए क्या कदम उठाए गए। और छठा, इन कैंडिडेट्स के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई। एनटीए ने 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा सौंपते हुए इन सभी सवालों का जवाब दिया है। उसमें कहा गया है कि पटना और गोधरा के सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई है, लेकिन जब हमने ज़्यादा नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स का डाटा एनालिसिस किया तो उसमें सिस्टमेटिक फेलियर नहीं मिला। इन सभी कैंडिडेट्स ने बहुत हाई मार्क्स स्कोर नहीं किए हैं। इन सेंटर्स के कैंडिडेट्स का स्कोर देश के नेशनल एवरेज स्कोर से भी कम है, इसलिए इनके मार्क्स से पूरे एग्जाम पर कोई असर नहीं हुआ है। इसके अलावा कमांड सेंटर में सीसीटीवी फुटेज देखने पर कोई घटना के संकेत भी नहीं मिले, ना ही कोई ताला टूटा मिला इससे पेपर लीक की पुष्टि हो। एनटीए ने टेलीग्राम पर पेपर लीक की बात को भी नकार दिया है। एनटीए ने कहा कि 5 मई को नीट की परीक्षा थी, लीक हुए पेपर की एक फोटो दिखाई गई जिस पर 4 मई यानी एक दिन पहले की डेट लिखी थी, पर असल में वो फोटो एडिटेड थी। असली फोटो में 5 मई 2024 को 5:40 का समय दिख रहा है। एनटीए ने यह भी कहा कि ट्रंक से कोई क्वेश्चन पेपर गायब नहीं हुआ है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ज़माने में पेपर गायब कौन करता है भला, लोग तुरंत फोटो क्लिक करके सर्कुलेट करते हैं। अब आते हैं केंद्र सरकार की बातों पर। इस पूरे मामले में दूसरी स्टेक होल्डर तो केंद्र सरकार ही है। कोर्ट ने सरकार से एनटीए की मॉनिटरिंग के लिए हाई लेवल कमेटी की डिटेल्स मांगी थी। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा, एहतियात के साथ नीट काउंसलिंग जुलाई के तीसरे हफ्ते में करवाई जानी चाहिए। काउंसलिंग 4 चरणों में होगी ताकि गड़बड़ी का फायदा उठाकर आने वाले स्टूडेंट्स की पहचान इन 4 चरणों में हो जाए और उसे तुरंत बाहर कर दिया जाए। केंद्र सरकार ने पहले भी कोर्ट से कहा था कि वो नीट परीक्षा को दोबारा कराने के समर्थन में नहीं है। सरकार ने अपने जवाब में इसी पॉइंट का जिक्र किया है। सरकार ने कहा, शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास से नीट परीक्षा 2024 कैंडिडेट्स का डाटा एनालिसिस करने के लिए मदद मांगी थी। आईआईटी मद्रास ने शहरों और केंद्रों को मिलाकर 2 साल यानी 2023 और 24 का एनालिसिस किया। ये एनालिसिस टॉप 1.4 लाख रैंक पर किया गया। आईआईटी मद्रास के एनालिसिस में कोई बड़ी गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले, ना ही किसी खास सेंटर के कैंडिडेट्स को कोई मदद मिलने की बात सामने आई। वहीं आईआईटी मद्रास की स्टडी में 550 से 720 मार्क्स के बीच बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसकी वजह उन्होंने सिलेबस में 25% कटौती को बताया है। जिन स्टूडेंट ने ज़्यादा मार्क्स हासिल किए वो अलग अलग सेंटर्स और अलग अलग शहरों से हैं, इसलिए किसी बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी की संभावना को खारिज करता है। सरकार के जवाब के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से नीट मामले में अब तक हुई जांच की रिपोर्ट मांगी थी और रीटेस्ट की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं से भी 10 पेज की कंसोलिडेटेड रिपोर्ट मांगी थी। अब सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि अब तक नीट विवाद में 7 राज्यों से 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा यानी 17 आरोपी बिहार से हैं, वहीं झारखंड से 11, गुजरात से 6, राजस्थान से 4 और महाराष्ट्र से 2 हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड से भी 1-1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस खबर में आपके लिए यही जानकारी है। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक सबसे पहले पहुँचाते रहेंगे। इस वीडियो की सारी जानकारी जुटाइए हमारी साथी रक्षा ने। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।